देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। वह न्यूमेरिकल्स है हमारा क्वेश्चन, हमारा टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंटिंग एक सौ ग्यारह ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड की। ऑप्शन नंबर ए वन मोल, ऑप्शन नंबर बी टू मोल, और ऑप्शन नंबर सी है आपका थ्री मोल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका फोर मोल। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम आपको पता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड के 111 ग्राम में उपस्थित आयंस की कुल संख्या है, कहीं ना कहीं आपको कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ना पड़ेगा। आयंस में कैसे लगेगा, जब कैल्शियम क्लोराइड तोड़ेंगे तभी ना। अरे के टेन ए नाइन जो पढ़ाए थे पता है, तीसरे चौथे क्लास में पढ़ाए थे आपको शुरू में। सबसे पहले हमको मास दिख रहा है कैल्शियम क्लोराइड कितना, 111 ग्राम। यहाँ पर लिख दिए हम लोग मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बराबर है 111 ग्राम, यहाँ पर लिख दिए 111 ग्राम। तो कहीं ना कहीं हमको आयंस निकालने बोल रहा है, तो आयंस हम लोग कब निकालेंगे, जब हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का मोल पता चले कि दो मोल है कि तीन मोल है कि चार मोल है। तो कहीं ना कहीं हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का तो मास पता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा मोलर मास। तो कैल्शियम क्लोराइड का मास हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास। किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। यहाँ लिख दिए मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बराबर कैल्शियम क्लोराइड के एक मोल का मास निकालना होगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया 20, और 20 का डबल कीजिए 40। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास हो गया मेरा 40, और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और एटॉमिक मास होता 35.5, और 35.5 को 2 से गुणा कीजिएगा कितना आएगा, 35.80 नहीं आएगा, 17.0 आएगा, 35.75 आएगा, 71.0, 35 × 70 और 5 × 10 71, तो आपका आया 71। यहाँ पर 71 लिख दिए, एक को जीरो में जोड़िएगा तो एक प्राप्त होगा, 7 और 4 कितना हो गया 11। अब मोलर मास निकल निकाल रहे हैं, एक मोल का मास को मोलर मास हम लोग कहते हैं। अब मोलर मास के यूनिट क्या पड़े थे हम लोग, ग्राम पर मोल चाहे ग्राम। तो फिलहाल हम लोग यूज करेंगे ग्राम पर मोल, यहाँ पर ग्राम पर मोल लिख दिए। अब हम लोग को मास पता है, मोलर मास पता है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल इजिली वे निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल का सिंबल हो गया था स्मॉल एन, अगर कैपिटल एन लिखते तो क्या होता था, अवोगाड्रोज नंबर। एक कैपिटल एन सिर्फ अवोगाड्रोज नंबर नहीं था, कैपिटल एन था पर नंबर ऑफ एटम्स, कैपिटल एन क्या था, नंबर ऑफ एटम्स। और कैपिटल एन के साथ अगर ए लिखा हुआ रहता था तो ये हमारा था अवोगाड्रोज नंबर, और स्मॉल एन है तो नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल किसका निकालने जा रहे, कैल्शियम क्लोराइड का। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बराबर मास बटा मोलर मास। तो कैल्शियम क्लोराइड का मास हो गया 1.1 ग्राम और मोलर मास हो गया 111 ग्राम पर मोल। यहाँ पर लिख दिए 111 ग्राम पर मोल। अब देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, नीचे में पर मोल है तो पर मोल ऊपर गया तो बन गया आपका मोल। यहाँ पर लिख दिए हम लोग मोल, ऊपर में भी 111 नीचे भी 111, तो दोनों टर्म सेम है, सेम टर्म कैंसिल हो गया था, कितना आ गया आपके पास 1 मोल। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल आपको पता चल गया कि 1 मोल है, यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, और ये हो गया मेरा कंप्लीट हेडर का साइन। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, बोलता है कैल्शियम क्लोराइड के 111 ग्राम में उपस्थित आयंस की कुल संख्या बताइए।
मतलब कैल्शियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल तो एक मोल है, लेकिन एक मोल कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ने पर कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन प्राप्त होता वो आपको बताना। सबसे पहले हम कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड को दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, एक केटायन दूसरा एनायन। देखिए कैल्शियम क्लोराइड है तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए कैल्शियम, उसके बाद क्लोरीन का एटम था तो यहाँ पर लिख दिए क्लोरीन, और जो शुरू में होता है उसके मुंडी पर प्लस चार्ज, यहाँ पर लिख दिए प्लस चार्ज, और जो बाद में होता है उसके मुंडी पर माइनस चार्ज। अब देखिए कैल्शियम का एक एटम है, यहाँ से क्या कीजिए एक से गुना कर दिए, एक क्लोरीन का कितना एटम है दो, यहाँ पे टू से मल्टीपल कर दिए। अब क्रिस क्रॉस करना है, क्लोरीन का दो एटम तो ये दो उठकर कैल्शियम के पास आ जाता है, तो आगे यहाँ पे दो तो कैल्शियम की मुंडी पर टू प्लस हो गया। अब क्लोरीन के पास आते हैं, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कितना एटम है एक, तो एक एटम में कैल्शियम पास, ये कैल्शियम का एक एटम क्लोरीन के पास आ गया, यहाँ पर लिख दिया वन। अब देखिए टू प्लस और टू माइनस, अरे वन में से दिखाई नहीं जाता है, टू प्लस और टू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी ए का सी ए और सी एल टू के लिए सी एल टू, तो जितना पॉजिटिव आयन होना चाहिए उतना ही नेगेटिव आयन होना चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आयन आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जब आप एक मोल कैल्शियम क्लोराइड को तोड़िएगा तो एक मोल कैल्शियम आयन प्राप्त होगा और दो मोल क्लोराइड आयन। तो हमको आयन का संकेत पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम आयन का कितना मोल है एक मोल और क्लोराइड आयन का दो मोल, तो दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो टोटल मोल कितना हो जाएगा तीन मोल। तो जब आप एक मोल कैल्शियम क्लोराइड लीजिएगा तो तीन मोल आपको आयन प्राप्त होगा, और अगर दो मोल आप कैल्शियम क्लोराइड लीजिएगा, यहाँ दो लीजिएगा फिर दो से गुना, यहाँ दो से करना पड़ेगा, तो ये दो और दो दूनी चार, चार दो फिर छह हो जाएगा। आप जितना मोल लीजिएगा उतना से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से गुना करते जाइए, समझे। जब हमको 10 मोल 20 मोल 1000 मोल का भी निकालना हो तो सबसे पहले हम किसे निकालते हैं एक मोल का, तो एक मोल का अगर हमको क्लियर पता चल गया तो 5 मोल 10 मोल का निकाल सकते हैं। तो एक मोल कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ने पर कितना मोल हमको आयन प्राप्त हुआ तीन मोल, तो ऑप्शन नंबर ए 1 मोल, बी 2 मोल, ऑप्शन नंबर सी मेरा 3 मोल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जाएगा करेक्ट। भाई समझे कैसे करें इसे कैलकुलेशन। हाँ अब बताइए हमको कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम दिया गया, तो मास दिया गया कि मोलर मास, मास ठीक है, तो मास हमको 111 ग्राम दिया गया, तो अगर जब हमको कभी भी मास दिया गया रहा तो कहीं ना कहीं वो एक बार जरूर सोचना पड़ेगा, कहीं नंबर ऑफ मोल तो इंडिकेट नहीं कर रहा निकालने। जब कभी अभी आपको क्वेश्चन अगर मास दिया गया ठीक है, तो पहली बार सोचिएगा कहीं ना कहीं वो नंबर ऑफ मोल तो निकालने नहीं बोल रहा है, अगर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल निकालने बोल रहा है मास के बाद हम क्या निकालते हैं मोलर मास, तो एक मोल के मास को क्या बोलते हैं मोलर मास, और एक मोल के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम। तो मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड का, पहले कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 40, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 71 तो नहीं होता है 35.5 होता है, और उसका टू एटम होगा तो कितना होगा 71, तो 40 और 71 कितना हो गया 111 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल कैल्शियम क्लोराइड निकाले तो ऊपर में किसका मास लिखे कैल्शियम क्लोराइड का, और नीचे में क्या लिखे मोलर मास किसका कैल्शियम क्लोराइड का, कितना लिखे 111 ग्राम पर मोल, तो दोनों को कैंसिल आउट किए तो कैल्शियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल कितना प्राप्त हुआ वन मोल। फिर हम लोग वन मोल कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ने जा रहे हैं, तो शुरू में कैल्शियम को एक तरफ लिखा क्लोरीन को एक तरफ, जो शुरू में रहता है वह मेटल की नॉन मेटल मेटल, और जो बाद में रहता हुआ नॉन मेटल, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है कि ये लूज, तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और क्लोरीन मेटल की नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज की ये तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो दोनों के मोल को जब जोड़ दीजिएगा कितना मोल प्राप्त हुआ तीन मोल। जब एक मोल कैल्शियम क्लोराइड लिए तो तीन मोल हमको आयन प्राप्त हुआ, अगर दो मोल कैल्शियम क्लोराइड लेते तो कितना मोल प्राप्त होता, अरे दो एटम दो दो और दो चार छह मोल, टोटल मोल कितना आता सिक्स मोल। कीजिए बोल हम लोग नवा चैप्टर चालू करेंगे।